भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर विराजमान, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हुए हम सबके बहुत ही प्रिय नेता आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, सेवानिवृत्त हमारे देश के ख्यातनामा और बहुत ही देशभक्ति से परिपूर्ण सेना के जनरल श्री वीके सिंह जी, श्री उदित राज जी एवं मंच पर बैठे हुए अन्य सभी पार्टी की विभूतियां, और आज के इस महासंगम में प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज हम जिस परिस्थिति से देश में गुजर रहे हैं वो बहुत सामान्य परिस्थिति नहीं है। सच पूछा जाए तो एक असामान्य परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। पिछले 10 सालों से जो सरकार केंद्र में चल रही है और पिछले 8-9 सालों से जो सरकारें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उन्होंने मिलके इस देश और प्रदेश को तबाह कर दिया। जब जब केंद्र में यूपीए सरकार को हटाने का सवाल आया, तब तब मायावती जी और मुलायम सिंह जी ने उनका साथ दे के उनको रोका, उनको बचाया। केंद्र की सरकार ने भ्रष्टाचार कराया और जब प्रतिपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी ने उस भ्रष्टाचार को उजागर किया तो उनकी मदद में कौन आया? सपा और बसपा। इसलिए मैं एक नारा लगाता हूं, कांग्रेस, बसपा और सपा। सपा, बसपा, कांग्रेस आई, आपस में हैं सब भाई भाई। आप मुहावरा तो जानते ही हैं ना, हिंदी में क्या मुहावरा होता है, कौन कौन मौसरे भाई होते हैं। तो ये आप नारा याद रखिए, सपा, बसपा, कांग्रेस आई, आपस में सब बहन भाई। इन सब ने, इस पूरे कुनबे ने प्रदेश और देश को बर्बाद कर दिया। केंद्र के भ्रष्टाचार के बारे में हम अक्सर बराबर आपसे कहते रहते हैं। मुझे इत्तेफाक से पार्टी ने वो काम दिया है कि जिसमें देश के भ्रष्टाचार पर जो रिपोर्ट्स आती हैं मैं उसकी समीक्षा करूं और उसके आधार पर कमेटी राय करती है, प्रस्ताव करती है, रिपोर्ट देती है। हमने देखा पहले कि इस सरकार ने पहला भ्रष्टाचार जो हमारे सामने रखा वो आपके इस मोबाइल का भ्रष्टाचार रखा। मोबाइल आप सबके पास है, मोबाइल चलता है कुछ लहरों की मदद से, वो लहरें आसमान से आती, लेकिन इस सरकार ने उन लहरों में भी भ्रष्टाचार किया। किसी ज़माने में हम सुनते थे कि एक राजा ने समुद्र की लहरें गिनने के लिए एक अफसर को रखा, उसने समुद्र की लहरें गिनकर भ्रष्टाचार किया, और इस सरकार ने आसमान की लहरें सुन के भ्रष्टाचार किया, आसमान में भ्रष्टाचार। उसके बाद कोयले में भ्रष्टाचार, जमीन के नीचे भ्रष्टाचार, उसके बाद खेल में भ्रष्टाचार, रेल में भ्रष्टाचार, और जब ये लोग भ्रष्टाचारी लोग पकड़े गए तो जेल में भ्रष्टाचार। रेल, खेल, तेल, जेल, सब में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। नभ थल जब, जमीन और आसमान और समुद्र और पानी, इसमें कहीं इन्होंने भ्रष्टाचार को नहीं बख्शा, हर जगह भ्रष्टाचार। और जब ये भ्रष्टाचार उजागर किया गया तो कांग्रेस की सरकार उनको बचाने के लिए आई और उनकी मदद के लिए ये सपा और बसपा दोनों शामिल हुए। इसलिए बहनों और भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस भ्रष्टाचार को अगर देश से नष्ट करना है, अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, तो केंद्र से कांग्रेस को और प्रदेश से सपा और बसपा को
आपको तीनों को एक साथ खारिज करना पड़ेगा, बिना उसके उत्तर प्रदेश की उन्नति नहीं होगी। ये प्रदेश 1947 में सबसे आगे था, शिक्षा में आगे था, व्यापार में आगे था, विकास में आगे था, स्वास्थ्य में आगे था, पुलिस के प्रशासन में आगे था, और आज सबसे पीछे चला गया। बलात्कारों की घटनाएं हो रही हैं, डकैतियों की घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हो रहा है। क्या बात है, कैसी सरकार, बिना लाठी के बात ही नहीं करती। अगर ये आज तक लाठी चलाती रही है तो अब अवसर आ रहा है कि जनता इनके ऊपर वोट की ऐसी लाठी चलाए कि जिस दर्द से कभी उठने ना पाए। महंगाई बेहिसाब बढ़ाई गई है, उसके आंकड़े में नहीं देना चाहता, लेकिन महंगाई से आम आदमी बेहतरा परेशान है, और सरकार कह रही है कि हमने महंगाई पे नियंत्रण कर लिया है। जब इस सरकार को हमने शासन सौंपा था तो हमारे विकास की दर थी 8.4% और हमारी महंगाई की दर थी 4.8%। आज विकास की दर 4.8% आ गई और महंगाई की दर अब तो 9 और 10% चली गई। ये सरकार महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकती, अपराधों पर कंट्रोल नहीं कर सकती, आत्महत्याओं पर कंट्रोल नहीं कर सकती। किसानों की आत्महत्या, व्यापारियों की आत्महत्या, कर्मचारियों की आत्महत्या, छात्रों की आत्महत्या, और अब सेना के सैनिकों की आत्महत्या, सरकारी अफसरों की आत्महत्या। ये देश आत्महत्या करने वालों का देश बनाया जा रहा है। इस देश को तो हमें सरसब्ज बनाना है, इस देश को समृद्ध बनाना है, इस देश को रोजगार से युक्त बनाना है, और ये सरकार सबको आत्महत्या की तरफ धकेल रही है। यह शर्मनाक देश की हालत इन्होंने कर दी है। सुरक्षा तार तार कर दी है, रोजगार तार तार कर दिए हैं, उद्योग धंधे समाप्त कर दिए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का नैतिक चरित्र समाप्त कर दिया। इस सरकार ने इस देश की संस्कृति को नष्ट किया है, इस सरकार ने इस देश की परंपराओं और इतिहास को नष्ट किया है, इसने पर्यावरण को नष्ट किया है। एक भी चीज़ इसने इस देश में रचनात्मक करके नहीं दिखाई। मुझे अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि हमारे देश की सीमाओं की क्या हालत, चीन क्या करता है। जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, माफ़ करेंगे, जब चीन अंदर घुस के आया था तो हमारे देश की सेनाओं ने उसका मुकाबला नहीं किया, उसको उठाकर नहीं फेंका, क्योंकि केंद्र का आदेश नहीं था। केंद्र डर जाता है जब भी कभी चीन के सामने बातें होती हैं। चीन से पता नहीं हम क्यों डरते हैं। मैं बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि जब ये अरुणाचल गए तो उन्होंने वहाँ जाकर बिल्कुल चीन के सीने पर जाकर कहा कि भारत की एक एक इंच भूमि चीन से वापस ली जाएगी और अरुणाचल को चीन नहीं लेने दिया जाएगा। यह है एक हिम्मत का काम। यह प्रधानमंत्री देश को चीन के खतरे से मुक्त कराएगा, ये प्रधानमंत्री देश को पाकिस्तान के खतरे से मुक्त कराएगा, ये प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाएगा, किसानों की आत्महत्याएं समाप्त होंगी, इस देश में रोजगार धंधे और खुशहाली का एक नया दौर आएगा। ये बात समझने की है। आप ज़रा अंतर को देखिए, सोच को देखिए, परिवर्तन की दिशा को देखिए। ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। इसके बाद शायद इतना बड़ा समागम हमारे इस प्रदेश में होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज हमें एक संकल्प करना चाहिए, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस संकल्प को करने के लिए कि आप इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं या नहीं, तो हाथ उठा के कहिए कि हम श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए बनाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे और कोई कोर कसर उठाकर नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, दोनों हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, और इसके साथ मेरे साथ मिलके बोलिए। चार नारे मैं आपके सामने बोलता हूँ, उन सबको आप अच्छी तरह देख लें और सुन लें और समझ लें। पहला नारा हम सब जानते हैं, जय जवान जय किसान, जय जवान। फिर है जय विज्ञान जय हिंदुस्तान, जय विज्ञान जय विज्ञान। और एक नारा ऋण मुक्त किसान, कर्ज मुक्त किसान,
भूख मुक्त हिंदुस्तान, कर्ज मुक्त किसान। जोर से बोलिए, भूख से देश को मुक्ति करानी है। कर्ज मुक्त किसान, भूख मुक्त हिंदुस्तान, रोजगार युक्त नौजवान और सेना पर सशस्त्र जवान। रोजगार युक्त नौजवान, सेना पर सशस्त्र जवान, तभी बनेगा भारत समर्थ और महान। बोलिए, महान भारत का निर्माण करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को हम भारत का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेते हैं। और मेरे साथ मिलकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।